بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ठीक है। आज हमारे साथ मुश्ताक अहमद विर्क हैं, पोल्ट्री सुपरवाइजर। ब्रॉयलर में उन्होंने काम किया है, ब्रीडर में भी काम किया है और 2009 से हैं इस फील्ड में। तो हमने हाइको के प्लेटफॉर्म पे हमने इनको मधु किया और हम चाह रहे थे कि सुपरवाइजर्स जो है, हमने डॉक्टर्स में भी काफी इंप्रूव और हम चाह रहे थे कि सुपरवाइजर्स जो हैं, अभी जो हमारी सीरीज होगी इसमें हम सुपरवाइजर्स भी लेंगे, डॉक्टर्स भी आएंगे हमारे साथ। और लास्ट टाइम आप देखेंगे आप कि इंशाल्लाह ताला सारे सुपरवाइजर्स और जो हैं डॉक्टर्स हैं, हम लोग पोल्ट्री जो है इसको हम शेयर करेंगे। पोल्ट्री जितने भी हैं हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आपको जी आपको आ रही है मुश्ताक अहमद वर्क, वेलकम वेलकम टू अवर हाइको प्लेटफॉर्म। मुश्ताक काइंडली आप हमें बताएं कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और आपने कहां कहां काम किया और किस ब्रीड पे काम किया आपने। जी मुश्ताक, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मुश्ताक बताएं आप हमें अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें यहाँ पर आने का। मैंने कहा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने का। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरे नंबर पे हेलो। जी जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर आने का और अपनी आवाज को राइज करने का। मैं बेसिकली 2005 से इस फील्ड में हूँ और एज ए सुपरवाइजर 2009 से इस फील्ड में अपना राइज अंजाम दे रहा हूँ और मुख्तलिफ कंपनीज में भी काम किया है जिसमें नॉमिनेटेड कंपनीज हैं जैसे कि बिग बर्ड है और साबर्थ वगैरह है। इसके अलावा इससे पहले जो ब्रीडर में काम किया था वो था AW यानी अल्लाह वारिस और फाइव स्टार। मेरे इस कैरियर में पूरे कैरियर में जो मेरी हाईएस्ट एफसीआर आई है वो लेटेस्ट दिसंबर कह रहा हूँ अक्टूबर में लेटेस्ट एफसीआर आई है 34.07 और वो भी 2400 ग्राम पे। मुख्तलफ से पहले बहुत से क्राइसिस भी देखे हैं और अब जो क्राइस देख रहे हैं वो ये है कि सर्दियों के मौसम में जो चीजें होती हैं मैनेज करना उनको वेंटिलेशन के हवाले से ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि डबल सोर्स ना होने के बावजूद भी लोग जो है सिंगल सोर्स पे रहते हैं। मोस्टली लोगों को वेंटिलेशन का नहीं पता, फार्मूले का नहीं पता और वो डिफोर्स ले आप कह लें वो चलते हैं। इमरान साहब जी, जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो आप हमें बताएं, मुश्ताक अहमद विर्क हैं ननकाना से, सुपरवाइजर हैं ब्रॉलर के, आज हमारे साथ हैं, हमारे हाइको के पैनल पे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम पोल्ट्री एजुकेशन या जो आप लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो आप तक लोगों तक पहुंचाएं, हमारे जितने देखने वाले नाजरीन हैं उन तक, खासकर जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या इस फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, हमारा मकसद उन तक जो है ये इल्म, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस उन तक पहुंचाना है ताकि वो जो है बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। तो मुश्ताक अहमद विर्क, आप हमें बताएं कि बीए का सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होती है फॉर्म में
और उसके साथ जो वर्कर्स हैं उनकी क्या जो है डिस्क्रिप्शंस हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और काम करने के लिए सुपरवाइजर को कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसको आनी चाहिए, आप काइंडली पहले हमें ये बताएं। जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये चीजें जो है बेसिक चीजें। पहला सवाल तो आपका ये है कि सुपरवाइजर का काम क्या है फॉर्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका काम है कि एक पूरी मैनेजमेंट करना, यानी कि लेबर से लेकर फार्म के पूरे वर्क के ऊपर उसको काम के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। मतलब उसको मैनेजमेंट आनी चाहिए, वो लेबर के हवाले से हो, वो खास तौर पर मुर्गी के हवाले से उसको मैनेजमेंट का मुकम्मल इलम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे वर्कर का जो काम है उसका काम है, जो सुपरवाइजर का काम है उसको ऑर्डर देना और वर्कर का काम है उसको फिल आउट करना, यानी कि उसको डायरेक्शन देता है सुपरवाइजर और वर्कर जो है उसको उस काम को कंप्लीट करता है। और तीसरा जो आपका सवाल था वो उसके हवाले से बहुत सी चीजें ऐसी हैं इमरान साहब के इस फील्ड में रहते हुए बहुत से मसाइल भी देखे हैं और उनका हल भी किया है, और मैं अब जो चाहता हूँ वो हल, ये वो मसला एक बहुत बड़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर की सैलरी है ना जी, इस हवाले से मैं क्या काफी दफा जो बात कर भी चुका हूँ बहुत से प्लेटफॉर्म पर, खुद भी लोगों को कहा है। अब आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। फर्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑफ ऑल जो लेबर की सैलरी है ये 12-14 हजार रुपये में ये गुजारा नहीं होता। कम अज कम वो सैलरी लाजमी दी जाए जो हकूमत की तरफ से इशू की गई है या फिक्स की गई है मिनिमम वेजेस के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है और आपने दूसरे जो नंबर बात पे की। इस सैलरी के कम होने की वजह से, जो इसमें न्यू लोग एंटर होते हैं ना, उनको हमें हर रोज जो है ना गाइड करना पड़ता है। अब आप देखें कि कंपनीज जो हैं उनमें सैलरी का इशू नहीं है, सैलरी उनकी जो है वो जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है या उस हिसाब से है। वहां पर बहुत से पुराने लोग हैं, बहुत से लड़के वहां पे काम कर रहे हैं, वर्कर होकर वहां पर रह रहे हैं, उनका काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो ये हमारे लोकल फार्मर होते हैं यहाँ पे, इनके पास सैलरी कम होती है, एक फ्लॉक के बाद इनका भरोसा नहीं होता कि इन्होंने अगला फ्लॉक डालना है या नहीं डालना। तो एक फ्लॉक के बाद जब लेबर जाती है फार्म से वापस, तो उनका तो वो गुजारा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है आपकी, बिल्कुल हम इसकी तायद करते हैं, और बिल्कुल ये तो 100% फैक्ट है कि वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरीज भी जो हैं जो गवर्नमेंट की फिक्स्ड है, हालांकि वो भी कम है। मैं अक्सर मेरी मुख्तलिफ जगह पे बात होती है कि अगर आप वर्कर को इंसेंटिव दें और अच्छी सैलरी दें तो आपकी जो है FCR, आपकी प्रोडक्शन, आपकी ये सारी चीजें जो हैं, आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको कोई नहीं पता लगता। लेकिन ये चीजें लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते। अगर वो ये समझ जाएं कि अगर वो वर्कर्स को अपने फार्म के जो स्टाफ है उनको इंसेंटिव दें, उनको अच्छी सैलरीज जी जी दें, बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली वो उनको आउटपुट देंगे। ये तो एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये आई थिंक ये बड़ा ही बहुत बड़ा जो है ये क्राइसिस है। लोग जो हैं संजीदा ये बन चुका है जी, बहुत संजीदा। फोकस नहीं करते, जब बल्कि लेबर का जो है मैंने देखा है लेबर की तो लाइफ ही नहीं है, लेबर की इज्जत नहीं है फॉर्म में, तो ऐसी है लेबर की जो जॉब सिक्योरिटी है वो पोल्ट्री फार्मिंग में ना लेबर की जॉब सिक्योरिटी है ना ना सुपरवाइजर की जॉब सिक्योरिटी है, और इसी तरह डॉक्टर हजरात की भी जॉब सिक्योरिटीज नहीं है। हालांकि पूरा नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम है कि कोई भी
कंपनी किसी को भी इमीडिएट जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, लेकिन हमने यहाँ देखा है यहाँ वन मैन शो होता है और सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फॉलो नहीं करती, गवर्नमेंट का भी चेक नहीं है। हालांकि मैंने फॉरवर्ड कंपनीज के साथ काम किया है, तो फॉरवर्ड कंपनीज में आपको पता है कि फॉरवर्ड कंपनी में फॉरनर्स किसी को कंपनी से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते जब तक वो 3 वार्निंग ना दे उसको। वो 3 वार्निंग में भी उनकी लिमिट्स होती है कि वो मंथली होती है, 3 वार्निंग के बाद वो उसको जो है उससे रिजाइन ले सकते हैं या उसको वहां पे कंपनी से वो उसको स्पेयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, गवर्नमेंट भी इस पे कोई नहीं करती, इस पे कोई गवर्नमेंट की कमांड नहीं है। वो लेबर लॉ जो है हालांकि उस पे है सारा कुछ, लेकिन ये आपके साथ हम बिल्कुल हम करेंगे, हम चाहेंगे कि वर्कर्स की भी जॉब सिक्योरिटी हो, उनकी सैलरीज जो है वो भी जो है जो फिक्स गवर्नमेंट की सैलरीज है वो दी जाए, इसी तरह बाकी जो है हमारे डॉक्टर हजरात हैं उनकी भी सैलरी पैकेज अच्छे हों और उनको भी इंसेंटिव जो है उसमें जो है इंसेंटिव में हाउस रेंट आ जाता है, उसमें मेडिकल आ जाता है और काफी चीजें आ जाती हैं, और वो सब चीजें हम चाहेंगे कि हम उसकी आवाज और हायर पैमाने तक हम ये अपनी वीडियोस भी पहुंचाएंगे। आवाज